सर्वधर्म समभाव के प्रतीक सूफी संत बाबा ताजुद्दीन का 102वां सालाना उर्स 29 जुलाई से 30 अगस्त तक ताजाबाद शरीफ में उत्साह से मनाया जाएगा। 29 जुलाई को सुबह 9 बजे श्रीमंत पंचम राजे मुद्धोजी भोसले के हाथों परचम कुशाई से उर्स की शुरुआत होगी। इसी के साथ ही 10 अगस्त तक हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उर्स के चलते परिसर में विद्युत रोशनाई की गई है। ऐसे के साथ ही 4 डोम बनाए जा रहे हैं ताकि बारिश के मौसम में आने जाने वाले जायरीनों को दिक्कत ना हो। इसी के साथ ही ट्रस्टियों द्वारा नागपुर जिलाधिकारी एवं सुधार प्रन्यास अधिकारी से मुलाकात कर उसके चलते आने वाले जायरीनों को दिक्कत ना हो इसके चलते 2 अगस्त को शाही संदल निकाला जाएगा। इस दिन फ्लाईओवर का काम बंद करने की मांग की गई है। इसके साथ ही 3 अगस्त को नाथिया मुशायरा का आयोजन किया गया है जिसके लिए सुप्रसिद्ध कलाकार आने वाले हैं। ऐसी जानकारी ट्रस्ट की ओर से दी गई है। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट द्वारा हर साल की तरह इस साल भी 102वां सालाना उर्स की तैयारियां की जा रही है, उसके बारे में हम जानते हैं चेयरमैन पैरे खान इनसे। देखिए, इस बार उर्स की बहुत अच्छी तैयारी है। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए रहने का अरेंजमेंट किया गया है और इस बार ऐसा है कि तरह तरह की जो लाइटिंग है वो लगाई गई है, जैसे कलकत्ता के स्पेशल इफेक्ट जो लाइट के यहाँ पे लगाए गए, और कम से कम 13 लाख लोगों का खाने का अरेंजमेंट जो बाहर से जो जायरीन आते हैं उनके लिए अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे 500 लंगर जो है यहाँ लगाए गए, तो इस बार बहुत अच्छा इंतज़ाम है, यानी कि सारा रुकने से लेके खाने से लेके ठहरने से लेके हर चीज़ अच्छा है। जायरीनों के साथ यहाँ पे बड़े बड़े कलाकार भी आते हैं जब कार्यक्रम होते हैं विविध धार्मिक, तो इस बार कौन कौन आने वाला है और किस तरह से आयोजन किया गया धार्मिक कार्यक्रमों का? इस बार स्पेशल खास बात यह कि एक फिल्म स्टार है जो रजा मुराद भी आ रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा शबीना अदीब बहुत अच्छी कलाकार है वो आ रही है, उसके बाद सलमा आगा को हमारा बुलाने का चल रहा है, अभी तक उसका फाइनल हुआ नहीं, और जावेद अली का भी हमारा चल रहा है लेकिन अभी तक वो फाइनल हुआ नहीं है। तो कलाकार तो बहुत अच्छे अच्छे, अनिस साबरी है, बहुत सारे बड़े बड़े जो कव्वाल है मुनव्वर मासूम से लेके सारे अच्छे लोग इस बार इंशाल्लाह यहाँ पे आ रहे हैं और बाबा जान में हाजिरी लगाने वाले हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि दूर दराज से जायरीन आते हैं, देश विदेश से यहाँ आते हैं श्रद्धालु, उनके लिए सुरक्षा और ठहरने की व्यवस्था किस तरह से होगी? देखिए, ठहरने की व्यवस्था तो अच्छी है लेकिन सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पे सीपी साहब के साथ मीटिंग है। इस बार सेफ्टी के हिसाब से हमने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इस बार जितने भी बाहर के जो आने वाले जायरीन हैं जिनकी पॉकेटमारी हो जाती है या उनका मोबाइल चोरी हो जाता है, तो ऐसे 8-10 हम लोग फर्स्ट इंडिया में एक ऐसा दरगाह होगा कि जो एक इस टाइप का काम करने जा रहा है। तो हम 8-10 स्टॉल लगाने जा रहे हैं, वहाँ पे जायरीन को ज्यारत करने जाने के पहले अपना मोबाइल और पर्स जमा करना है और दर्शन करने के आने के बाद वो पर्स उनको टोकन के साथ वापस हो जाएंगे। तो ये सेफ्टी के इंतज़ाम हमने किए हैं क्योंकि यहाँ कोई भी जायरीन आए और वो दुखी होके ना जाए, यहाँ से कुछ पाके जाए। इस बार आपके पास और एक पद जुड़ चुका है, आप अल्पसंख्यक अध्यक्ष पद के जो है अध्यक्ष बन गए हो महाराष्ट्र के, और ये सब किस तरह से कार्य करना मतलब शुरू है? देखिए, ये सब बाबा जान का कर्म है, बाबा जान की ही देन है। यहाँ एक अच्छा कार्य करने का एक बाबा जान ने इनाम दिया और वो भी पद को मैं पूरी ईमानदारी से, जैसा हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के पद को मैं पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूँ, उस पद को भी महाराष्ट्र के जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए ईमानदारी से मैं बिल्कुल निभाऊँगा। और बाबा से दुआ करूंगा कि जितने भी जो लोग तकलीफ में हैं उनका काम पूरा से पूरा हो। तो हमने जाना कि किस तरह से तैयारियां यहाँ पे शुरू है और एक संदेश भी यहाँ जारी किया गया है पैरे खान जो चेयरमैन हैं उनकी ओर से। हर साल की तरह इस साल भी हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट द्वारा 102वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है और इस बार भी हर बार की तरह कई तरह की तैयारियां यहाँ पे हो रही है, उसके बारे में हम जानते हैं यहाँ के सचिव जो है उनसे। सर, क्या बताओगे इस बार किस तरह से यहाँ पे तैयारियां शुरू है? कुछ ही दिन में जो है उर्स को शुरुआत हो जाएगी, यहाँ पे दूर दूर से जायरीन आएंगे, क्या बताओ? समय पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ और पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जो 102 सालाना वार्षिक उर्स हम लोग सब मिल के मनाने जा रहे हैं। बाबा हुजूर का ये 102 सालाना उर्स है और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जिस तरीके से कि 29 जुलाई से पहला परचम कुशाई हमारी सुबह 9 बजे होंगी,
पंचम राज्य रघुजराव भोसले के अध्यक्षता यहाँ पर परचम चढ़ाया जाता है। ये एक हिंदुस्तान की एक अनोखी मिसाल है कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पे परचम जो है वो रघुजी राजा की पांचवीं पुश्त यहाँ पे करती है, और फिर रात में हमारे यहाँ पर प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ पर शुरू हो जाएगा। रात में यहाँ पर एक गाज़ी मिल्लत साहब की तकरीर, हाशमी मियाँ की तकरीर यहाँ पर होंगी, और उसमें भी आप लुत्फ़ उठाएं। और इस तरीके से 29 तारीख से प्रोग्राम को स्टार्ट होगा, और हमारा जो 2 तारीख को शाही संदल जो ताजाबाद शरीफ से निकलता है वो हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से निकाला जाता है, और यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ होती है। उसके लिए हम लोगों ने सारी चीज़ों की व्यवस्था वगैरह की हुई है, और यहाँ से निकलता हुआ शहर का गश्त करता हुआ ताजाबाद शरीफ में पहुँचेगा। बाबा के संदल का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर बड़ी बड़ी तरीके से हमने डोम सजाया है, यहाँ पे लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था की है। आने वाले ज़ायरीन का कैसा हम लोग स्वागत करें वो सब सारी चीज़ हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से की जा रही है। किसी चीज़ की किसी बाबा के श्रद्धालु को तकलीफ़ ना हो, ताजाबाद ट्रस्ट इसलिए ये सब सारी चीज़ों की योजना और ये काम कर रहा है। और 3 तारीख को हमारे यहाँ पर एक ऑल इंडिया नातिया मुशायरा शाम में रात में 9 बजे होगा, और उसमें जानी मानी हस्ती रज़ा मुराद साहब, सलमा आगा जी और शबाना अदीब और बड़े बड़े शायर लोग यहाँ पर ऑल इंडिया नातिया मुशायरे में आने वाले हैं। और उसके बाद में हमारा 4 तारीख को सैयद अमीरुल कादरी साहब यहाँ पर खिताब फरमाएंगे 4 तारीख को, वो रात में शाम में 9 बजे वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। और 5 तारीख को आंध्र प्रदेश के भी मौलाना यहाँ पे, और इंटरनेशनल सूफ़ी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो सूफ़ी अनुवाद रहता है कि जिसमें बड़े बड़े कव्वाल यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से और बैरूनी मुल्क से भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। और बाबा हुजूर के यहाँ पर एकता का प्रतीक है, और बाबा हुजूर के यहाँ पर सभी धर्म सभी जाति के लोग यहाँ पर आते हैं और बड़े अकीदत से मानते हैं बाबा अपनी मुरादों को, और यहाँ पर सरकार ताजुल औलिया यहाँ पर झोली भर के देते हैं। और इंशाल्लाह ताला यही चमत्कार बाबा हुजूर का सब पे साया कायम रहेगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। मैं हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का सेक्रेटरी ताज अहमद राजा आपको मुबारकबाद देता हूँ आने वाले उर्स के लिए। हमने जाना कि इस बार भी जो है धूमधाम से तैयारियाँ 102वें सालाने उर्स के लिए जो है यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।